पीसी असेंबली की हाल ही में स्ट्रीम हुई थी और उसमें हमारा पीसी बूट नहीं हुआ क्योंकि जो मदरबोर्ड है उस पर इंटेल का i9 का जो 12th जनरेशन का प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर सपोर्ट नहीं करता मतलब ऐसा नहीं कि हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसका जो बायोस होता है वो अपडेट करना पड़ता है, लेकिन ये हमें पता ना था, ना जिन्होंने हमें दिया था उनको पता था। तो हमने बहुत सारे ट्राई दिए, हमने पीसी कितने बार खोला, कितनी बार बंद किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी बुबू उनके बंदे भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी ट्राई किया, ये सारा कचरा इधर जमा हुआ है कंटिन्यू। अब वो यहाँ पे आके उन्होंने 2-3 घंटे गवा के उसके बाद रिजल्ट निकला कि कोई डाउनग्रेड जनरेशन का प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल i7 का 12th जनरेशन या i5 का 12th जनरेशन या कोई इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर लगा के अगर करेंगे तो फिर उसके बायोस हम अपडेट कर पाएंगे। और बायोस अपडेट करने के बाद ये सब चीजें हम संजो के एक बहुत ही खतरनाक बीस बना पाएंगे। तो वो अभी फिलहाल मदरबोर्ड लेके चले गए हैं और मैं उनको फॉलो करके अभी जाने वाला हूं। मैं अभी ये सारी चीजें संजोता हूं और उसके बाद निकलता हूं ऑन द वे टू वाशी फ्रॉम अहमदाबाद। ओ ये सिम्बा देखो सामान मैंने भर दिया है। और कितना सामान है देखो, ये सारा मतलब मेरा नैपकिन, मेरा रूमाल, मेरा पाय पूछना, सब कुछ मैं उसको भरपट के मिक्स कर दिया है। इसमें आधा सामान है, इसमें आधा सामान है, और ये अपना टेंट है और ये अपना स्लीपिंग बैग एक ही है। तो अब ये लेके मैं वाशी निकल रहा हूँ। ये मैं गाड़ी से नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं ऐसे ही रखता हूँ, अच्छा रहेगा गाड़ी में। तो लेट्स गो यार, क्या कर सकते, थका हूँ मैं थक रहा हूँ। रुको मुझे जूसू पीने दो, जूसू पीना पड़ेगा। मम्मी जूसू। हेलो सिम्बू, कैसे तू? सिम्बू जी, मेरी सिम्बी, मेरा बोबू। कितना बड़ा हो गया देखो, डेंजर ना। डाकू सिम्बू। उसको अभी बांध के रखा है वहाँ पे, थोड़ा सा फ्लोरिंग का काम चल रहा है ना तो उसको बांध के रखा, नहीं तो यहाँ पे सीमेंट में जाके कूदता है। बापरे, दिन रात मेरी माँ यही देखती रहती है और मुझे इरिटेट होता है। आप बोलते हो कि तू फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालता है सीरियल्स पे, ये ऐसे खाना खाते वक्त बैठते वक्त सीरियल्स कंटिन्यू चालू रहती है, इरिटेट तो होगा ना मेरी मॉम। मैंने चाय पानी हो गया, मतलब चाय पिया मैंने, थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा था। सिम्बा मेरे कपड़े देख बच्चा, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ वाशी, ये देखो। मैं ऐसे वाशी निकल रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत, मैं बहुत बोर होता हूँ कपड़े बदलने में। देखो मेरे पास अच्छा वाले, वैसे बुरा तो नहीं है, बट ये सिम्बा ना वाट लगा देता है कपड़े, ये पूरा पांडरा काला कर देता है, लेकिन मैं ऐसे ही निकलूंगा, साल्टी के तो भी चलेगा। दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिक मैं सबसे, मेरी आशिकी पसंद आई, मेरी आशिकी पसंद आए। ओ ओ ओ यस। तो मैं निकल चुका हूँ और मुझे मेरे कपड़े माँ ने देखे, मैंने मेरे माँ ने बोला मुझे पैंट को बदल एटलीस्ट, तो मैंने पैंट बदल दी, लेकिन मैंने चप्पल पहनी हुई है और मैं प्राउडली जा रहा हूँ। बच्चा नाच करो, लेकिन मारो नहीं। मैंने कैमरा लिया, सोचा कि मतलब कार से जब गाड़ी चला रहूंगा ये अंकल जिस चीज को कैमरा बोल रहे हैं वो एक्चुअली मोबाइल स्टैंड के बारे में बात हो रही है बच्चा, कभी कभी दिमाग हिल जाता है इनका। मैं ड्राइव कर रहा रहूंगा तब मैं शूट कर सकता हूँ, मतलब रोड पे वगैरह ध्यान देके प्रॉपरली, एक हाथ को एंगेज ना करते हुए। लेकिन ये झुलता पुल कैमरा निकला रे, ये कैमरा हिल इतना रहा है कि ये कैसे होगा, मतलब ये देखो। अभी मैं यहाँ वहाँ विगल नहीं कर सकता गाड़ी ऐसे, मैं आपको दिखाता। इसको कहते हैं डोल डोलते वारे वर प्रवास। वन साइड मैंने जस्ट कैमरा चालू कर रखा ड्राइविंग करते हुए और आपको दिखाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे किस तरीके से रूट होता है। स्पीड बहुत ही मिनिमल थी, ज्यादा नहीं थी, आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। अब विषय ऐसा है कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया,
मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस जगह पे जाके उनसे खाना मंगवाऊँ या मतलब उनको खर्चा कराऊँ जो उतना मुझे ये तकलीफ दे रहे हैं उसके लिए, या फिर मैं अपने लेवल पे कोई पनीर फ्रेंकी खा लूँ एकदम प्योर वेजिटेरियन भाई, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन यू नो लिखा यस योर योहानी सिंह एकदम बिग गोगल बादशाह लगता है, हीरो लगता हूँ मैं। अच्छा एक बात आपको शेयर करना मैं भूल गया, एक मेरा दोस्त है जो मेरे इलाके में ही रहता है, बहुत ही नामचीन व्यक्ति का बेटा है, वो खुद भी नामचीन है वैसे, तो उसके कुछ फ्रेंड सर्कल में से कुछ फ्रेंड है और वो खुद भी वो बोल रहे थे कि वो मेरे बहुत फैन है, वो मतलब अजीब व गरीब से फीलिंग रहे, मतलब अपने पास में रहने वाला बंदा वो भी इतना मतलब इतने अच्छे लेवल का बंदा तुम्हारी इतनी तारीफ करे, मतलब ओवर कुछ लग रहा था मुझे, फील ओवर आ रहा था कि यार इतनी तारीफ मत करो मेरी उतनी नहीं है ताकत रही, लेकिन वो बोल रहे तुझे पता नहीं तू कौन है, मतलब कौन हूँ मैं वे, अरे मैं जो कौन हूँ वो मैं तुम लोगों की वजह से हूँ ना, तो मैं अपने आप को क्यों कुछ मानूं, आईचा गावत सायरा बानू। अच्छा तो विषय है कि वो लोग आए मिलने को और उनसे बातें की, बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाए और प्यारे प्यारे गिफ्ट थे, एक यूनिक गिफ्ट था इस बार मतलब मूर्ति नहीं थी, इस बार था वो लाइट का ऐसा वो घूमने वाला, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो मतलब कस्टम बनाया रखा है, मेरे फोटो वगैरह है वो मेरे लाइव स्ट्रीम्स के आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, और उन्होंने बातें जो की, उन्होंने जिस तरीके से मतलब वो किस तरीके से मुझे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझसे मोटिवेट होते हैं, भेंडी मेरे को अजीब सा लगता है, इतने बहुत ज्यादा है रे, मेरी औकात इतनी नहीं है भाई, माजी लाइक ही ना है, वाह अभी मत करना कर दे तुझे चप्पल, इच्छा गावत कुतरा। ठीक है तो हम मुद्दे पे आते हैं, खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने से पहले मुझे मेरा कंप्यूटर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ जब कंप्यूटर का विषय रहता है, पीसी या मोबाइल्स के विषय रहते हैं, देखते चलो जो भी होगा, आइचा गावत पानीपुरी, ये अच्छे लगते है रे। ए, मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई, आइचा गावत। तुम अभी भी यही पे हो? अबे मैं डिस्टर्ब मत करो, मुझे ड्राइविंग करने दो भाई, कॉन्सेंट्रेट करने दो, क्या बोर कर रहे हो यार तुम लोग, आइचा गावत। देखो मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा हूँ तुम लोगों की वजह से, मुझे घूरते मत रहो तुम लोग, मेरे को सीरियसली ड्राइविंग करने की, एकदम फास्ट नहीं करने की, बट 60 का स्पीड तो चाहिए भाई, ये क्या स्पीड है बे, इज्जत जा रही है मार्केट में, लो हॉर्न ला के आगे जा रहे बे, जाओ ना मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना ब्रो, बस कह रही यार, मुझे पता है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो मुझे। GTA के वजह से ना मेरा गाड़ियों की तरफ का व्यसन बहुत बढ़ गया है भेंडी, मतलब ये गाड़ी तो मेरा जीव है, लेकिन वो देखो ना यार, वो देखो ना, रुको तुमको क्लोज लुक दिखाता हूँ भाई, ये गाड़ी तो देखो भाई साहब, हे भगवान, इसका किसी ने एंटी अलाइजिंग ऑन करके रखा है क्या, हे भगवान इतनी डिटेलिंग क्यों आ रही है, रिफ्लेक्शन तो देख रहे, बबड़ी कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज की, आईचा गावत पानीपुरी, हे गाड़ी वाले रुकना, हेलो हे बच्चा 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 बच्चा, मैं भगा नहीं सकता हूँ इसलिए मेरी मजबूरी का फायदा मत, बच्चा गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ये दिख रहा है, ये ऊन का इफेक्ट दिख रहा है, ऊन का इफेक्ट देखो, ऊन का इफेक्ट, ये सीरियस लेवल पे अनरियल इंजन 5 जो रहेगा ना फ्यूचर में आने वाले गेम है, ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि रियलिस्टिक एकदम भाई, मैंने खुद देखा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का जो उन्होंने डेमो पार्ट निकाला था ना उसमें इसी तरीके से दिख रहा था भाई। डॉगी वो टेक आइडिया का ऑफिस किधर है बच्चे, टेक आइडिया का इधर है, टेक आइडिया का ऑफिस इधर है, इधर है क्या, इधर है, इधर इधर है, इधर है, जाओ उधर, इधर यहाँ पे देखो, हाँ मिल गया ना मुझे, बूम बूम, ये सारे कंप्यूटर की शॉप ही है लाइन में, और ये है टेक आइडियाज, ये अपना बंदा, इसने अपने को त्रास दिए लाइक कंटिन्यूसली, मोबाइल में ये देख, ये बंदा है ना, इसके वजह से मैं तकलीफ फील कर रहा हूँ, ठीक है, ये शॉप पे बिल्कुल मत आना, ये टेक आइडिया वाशी में शॉप है, यहाँ पे बिल्कुल आने का नहीं, ठीक है ना, हम आने वाले हैं आपके यहाँ पे। क्या बोल रही है, चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, देखा नहीं है, कर लेना वो। मैंने शॉप दिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे आना ही है, यहाँ पे पार्ट्स वगैरह में आपको डिस्काउंट मिलेंगे, यहाँ पे सारे पार्ट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पे आना है, ये देख यही पे, ये यहाँ पे आना नहीं है ना, नहीं आने का। अभी मेरा पीसी और मेरा सामान सब गाड़ी में, वो मैं निकाल के लेके आता हूँ,
और यहाँ पे काम चालू कर देता हूँ, फटाफट काम करते हैं यहाँ से निकलते क्योंकि अपने को लाइव भी जाना है थोड़ी देर में। देखो ऐसे इसमें रखा था मैंने, इसमें रखा है, ये देखो कैसा रखा है सारा वन साइड, इसमें हार्ड डिस्क है छोटी वाली, घाई घाई में लेके आया लेकिन कुछ रखा नहीं, बस स्क्रू ड्राइवर का वगैरह प्रॉब्लम होगा वो आपको एडजस्ट करना होगा। हमारा प्यारा मदरबोर्ड जो हमारा कभी था ही नहीं ऐसा लग रहा है, इस पे लगा के देखा DDR4 पे चल रहा है, इसी पे नहीं चल रहा है अभी, वो DDR5 वाला एक दूसरा TUF का मदरबोर्ड लगा रहे हैं अभी, उस पे चला तो ठीक है, अगर उस पे चला तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए भेजना पड़ेगा क्योंकि ये शायद डिफेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है मुझे पता नहीं यार, देखते हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए मैं यहीं पे हूँ और अभी बजे हैं 10 बजे, बस कोई इतना विषय नहीं है, बस 10 बजे। तो मैंने मदरबोर्ड चेंज कर लिया, या अपना जो मदरबोर्ड है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन नहीं अच्छा मदरबोर्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा हेवी मदरबोर्ड है, मतलब इसका वजन कितना है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट ये 3 से 5 किलो का मदरबोर्ड रहेगा, मतलब सोचो कितना हेवी होने वाला है। इसको नीचे भी प्रोटेक्शन दिया है, आरोस का है, गीगाबाइट आरोस का, तो वो अभी फिट करके टेस्ट करके देखेंगे चालू है कि नहीं। और चालू रहते रहते मुझे एक अपने फैमिली मेंबर मिले, यातीश हनुमंत पाटिल, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, ये सुपर चैट ना मतलब अप्रिसिएशन करते रहते भाई, तो ये मुझे मिले, इनसे बहुत गप्पे मारे, ये अभी मेरे लिए एक चीज़ भी लेके आ रहे हैं, पनीर, क्या पनीर फ्रैंकी, बहुत टॉप लेवल की यहाँ पनीर चीज़, हाँ, और इन्होंने मुझे पनीर बर्गर, क्या पनीर पिज्ज़ा पनीर पिज्जा और कौन सा वो बेबी कॉर्न पिज्जा खिलाया, मतलब बताओ कितना खातिरदारी चल रही है, 3-4 घंटों में बहुत मचा है। अभी असेंबल करते हैं और देखते हैं चलता है क्या। नया वाला पेशेंट लग चुका है और अभी मैं होप नहीं कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये चालू हो जाएगा। बेचारा घर तक आया था और ये भी घर तक आए थे, वो भी कंटाल गए मुझे, लेकिन मैं नहीं कंटालूंगा, साल्टी गई तो भी चलेगा। आईची कट कट, उधर से बटन हे भगवान, कुछ दिख नहीं रहा है बबड़ी, बापरे आपन घालो वाट, हाँ नहीं चालू चालू रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है होने वाला है, दिल बोल रहा है फाइनली डिस्प्ले आ गया ना मेरी पोपो, मिशन सक्सेसफुल। अभी टेंशन नहीं है, अभी डिस्प्ले आ गया है और अब होने वाला है असेंबलिंग चालू थोड़ी देर में। और ये देखो इनके चेहरे पे सबसे ज्यादा खुशी है, नहीं तो मैं रात भर दुकान चालू रखता और मंगाता मदरबोर्ड। देखो दिवाली झगमगाट वन साइड, और एक फैन और बढ़ गया है देखो नीचे, ये छुपके रहेगा, बाहर की ठंडाई है ना वो अंदर खींचेगा, और ये जो 4 टर्बो इंजन है ना वो बाहर खींचेंगे गर्माहट। और ये नई वाली रैम देखो, ये थोड़ा सा दिवाली जैसा लग रहा है, मेरी पहली वाली रैम ज़्यादा अच्छी थी ऐसा फील आ रहा है, बट ठीक है ये अच्छे, इसमें टेम्परेचर दिखता है, डायरेक्ट शटडाउन का बटन है, और ये नीचे अपना लाइफ टाइम चलने वाला फैन जो पिछले 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है वो नहीं बदलेगा। फाइनली सब कुछ बिठा के दे दिया, एकदम वायर भी दिखेगी नहीं आपको, एकदम क्लीन करके दे दिया है सभी तरफ से, और ऊपर से मुझे इसके साथ इन्होंने ये RGB गेमिंग पैड है, मतलब माउस पैड, मतलब माउस और कीबोर्ड पैड, ये उन्होंने शायद फ्री दिया है, पता नहीं अभी कितना और रेट कुछ है। दिया है फ्री, हाँ और कुछ फ्री, एक केबल दिए ओरिजिनल और कुछ दिया है, वो आपको कल मालूम पड़ेगा, आज नहीं मालूम पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, हाँ कल मालूम पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो। और ये देखो ये अपना ये है नया वाला, तो बढ़िया है सब कुछ। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, और हाँ भाई देखो और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक लिए चीज है बट इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा नहीं। अरे वो गेमिंग चेयर है, रेजर की गेमिंग चेयर है, तो वो आ गई है, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और पर कल की लाइव स्ट्रीम पे दिखेगी भी आपको। अरे पण का बोलतो मी, हा वीडियो कधी जाणार आहे मला माहिती नाही रे देवा, चलो निकलतो बाय। गाड़ी एक्चुअली थोड़ी बड़ी है, अच्छा लगता है, पूरी कुर्सी भी अंदर रह गई है और पूरा डेस्कटॉप भी रह गया है और बाकी सामान भी रह गया, और अभी ये लोग अपने प्यारे प्यारे भी रह जाएंगे, लेकिन ये भी मिलेंगे एक दिन, कोई टेंशन नहीं है, अपने इस इधर के वाशी एरिया की है, ठीक है। और हितेश भाई ने बहुत मदद की है दोस्तों, सीरियसली बहुत अच्छे हैं, और अगर आप आओगे तो डिस्काउंट आपको 100% देंगे, वो मेरे को भी डिस्काउंट दिया हुआ है,
आरजीबी क्या हुआ फ्री दिया है, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ओके और कुछ दिया है बट वो मुझे बाद में पता चलने वाला है, बट मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो हम घर जाके चेक कर लेंगे। चलो चलो बाय दोस्तों। ये देखो इसने मेरे को अटका दिया। अरे मैं ही लूंगा कैसी बड़े जाना। घर आ गया हूँ फाइनली और सामान उतरवाना है, सामान बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। देखो यहाँ पे वो सारा मदरबोर्ड का सामान, ए सिम्बा उधर मत जा स्क्रैच पड़ेगा ये डे। और यहाँ पे ये अपनी वाली गेमिंग चेयर और उधर अंदर पीसी है। अभी वो एक इंसान को मैंने बुलाया है, उसको लेके सामान ऊपर चढ़वाऊंगा। फाइनली हम रूम में आ चुके हैं बहुत मशक्कत के बाद। मेरे साथ जो था वो करण था, उसने मुझे मदद की ये बक्सा ये सब चीज़ें चढ़ाने में। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और ये कचरा देख के आपको घिन्न सी आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सब मैं आज ही अभी करने वाला हूँ। अभी वक्त हुआ है चक्कावत है घटाया जा, हाँ 1:20 हुए और मेरा हार्ट रेट आप देख सकते हो 91 है, क्योंकि हमने चढ़ाई उतनी की है। लेकिन अब हम सब सेटिंग करने जा रहे हैं, मैं अभी ये साफ कर चुका हूँ, अभी ये टेबल साफ करूंगा, वहां पे रखूंगा और फिर काम 25 करेंगे, सब साफ सफाई होगी। तो मैंने फाइनली सेटअप कर लिया, अभी मेरे से जितना हो पाया उतना ही मैं कर पाया हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पे चार्जिंग विर्जिंग सब लगा के प्रॉपरली, मेरा ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे में एनर्जी इतनी थी तो मैं इतना ही कर पाया। देखो हमने एक आरजीबी वाला ये लिया है, हालांकि वो आरजीबी आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन वो अंधेरे में दिखती है, बाकी सब जैसे के तैसा सेटअप है। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा खतरनाक सेटअप बन चुका है और हम यहाँ पे बहुत ही खतरनाक गेम प्ले करने वाले हैं। मैं यहाँ पे टी सीरीज के कुछ गाने सुन रहा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जुबिन नोटियाल के, यस। और अब मैं यहाँ पे डाइंग लाइट का ट्रायल देखने वाला हूँ और खेलने के बाद मजे लेने वाला हूँ। मेरी कंडीशन, मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया है। और सेकंड चीज, अभी तक मैंने ये भी नहीं हटाया यार, मैं जैसे मतलब जैसा मैं था, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी रूम साफ करने की कि मैंने ऐसे ही रूम साफ कर ली बबड़ी। अब वो कुर्सी का मैं सोच रहा हूँ उसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊं या फुल अनबॉक्सिंग करूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन राड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये व्लॉग इतना ही था, अब मैं आपको अगली किसी व्लॉग में मिलूंगा और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग जल्दी आप तक पहुंचे। यार चलो गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। 4 बज गए, मैं थोड़ा बैंग लाइट खेल के फिर सो जाता हूँ। उस रूम में अभी तक साफ सुथरा ही बाकी है, लेकिन वो कल करूंगा। ओके सायोनारा, ओ ये फिर मिलना दोबारा।